24 मई शुक्रवार को विवेक ओबरॉय की मच अवेटेड फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज हो रही है, जिसमें विवेक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार अदा किया है। और जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पूरी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। वहीं इस फिल्म की रिलीज के साथ ही एक नया बवाल खड़ा हो गया है विवेक ओबरॉय की जिंदगी में। आपको बता दें कि हाल ही में एक मीम शेयर करने के बाद विवेक ओबरॉय विवादों में घिर गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें एक नोटिस भेजा है और उसी के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना लोगों ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एक मीम शेयर किया था विवेक ओबरॉय ने, जिसमें ऐश्वर्या राय को लेकर उन्होंने एक कंपैरिजन किया था एग्जिट ओपिनियन और रिजल्ट पर। ये एग्जिट पोल की बात थी, लेकिन वहीं विवेक ओबरॉय को बहुत सारे सेलेब्स ने लताड़ लगाई है और कहा है कि ये उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया था, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ बच्चन की बहू हैं और जाहिर है ऐसे में अगर कोई इस तरह का मीम शेयर करे उनकी बहू को लेकर तो उन्हें वाकई बुरा लगेगा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इस बात का विरोध किया था और इशारों में विवेक ओबरॉय पर निशाना साधा था। इसके बाद विवेक ओबरॉय ने वो ट्वीट जो उन्होंने किया था अपने अकाउंट से हटा दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। विवेक ओबरॉय की मुश्किलें लगातार बढ़ती नज़र आ रही हैं। कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी एक मूवी जो है रिलीज़ होने वाली है, जो कि पीएम मोदी से इंस्पायर्ड है, और जाहिर है कि उनके विपक्षी दल बहुत हैं तो उन्होंने ये विवाद उठाया होगा। वहीं एक नया मीम आ गया है मार्केट में, जो कि अमिताभ बच्चन पर है। यहाँ इस मीम की माने तो अमिताभ बच्चन बदला लेने निकल चुके हैं विवेक ओबरॉय से। आप इस तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इनमें आप देख रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अभिषेक बच्चन निकल चुके हैं विवेक ओबरॉय से बदला लेने के लिए। एक बाइक पर तीनों नजर आ रहे हैं और विवेक ओबरॉय का बच पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि ये मीम है, आपको बता दें कि मीम के ऊपर हमारे देश में बहुत बवाल है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में एक मीम शेयर करने पर भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं अपने एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू में पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि उन्हें मीम बहुत पसंद हैं। हाल फिलहाल ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जिस तरह से मीम पर बवाल मचा हुआ है, उसे देखकर लगता है कि एक नया कानून जल्द ही आने वाला है जो मीम को लेकर बनाया जाएगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।